ओम साई नाथ। अनुष्का कोठावड़े, यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? अच्छी चल रही सर। बोर्ड का तो प्रिपरेशन हो ही गया होगा। तू सीबीएसई बोर्ड में है ना बेटा? यस सर। एग्जाम तो नहीं होने वाला है? नहीं ना सर, कैंसिल हो गए। चल कोई नहीं, अपनी मेहनत जाया नहीं जाएगा और इसका सच में रिजल्ट आएगा। देखो, एक अनुष्का पठावड़े, एक यस और सर। आपके ग्रुप में फ्रेंड अभी देखेंगे पार्टिसिपेंट्स में, तो एक और अनुष्का दिख रही है आपको? यस सर। यह भी हमारी बच्ची जैसे तुम हो ना, अपने जब पढ़ती थी एनर्जेटिक, मतलब मेहनती। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यह भी आप ही के बैच की बच्ची है और मेरे साथ एक साल से है, फाउंडेशन पढ़ रही है। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत मेहनती बच्ची है, बहुत अच्छा, मतलब मेहनत करती है जैसे आप करते थे और करते हो। बस एक चीज ध्यान देना, आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, बचपना से। मतलब आज हम लोग को आप बचपना याद आएगा और वहां से धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है एक दो तीन क्लास बेसिक्स में जाएगा, बोरिंग होगा। आप लोग के दिमाग में आएगा पांडे सर ये क्या कर रहे हो आप, अभी आपको हो सकता है कि होगा कि क्या पढ़ा रहे हो पांडे सर। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि मैं इसको, इन पॉइंट्स को अगर स्किप करता हूं तभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी। इट मे बी कि आप सभी बच्चों को पता हो, इट मे बी कि कुछ बच्चों को पता हो कुछ नहीं पता हो। तो इस सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्या हाल है हीरो? नहीं है अभिजीत? कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर। कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है सर। चलो स्टार्ट करते हैं, जो आएगा आते रहेगा, ठीक है? वैसे तीन बच्चे जो हैं वो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, एक नई बच्ची है, उसको मैं अपने बारे में 2 मिनट बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा कहां से हो आप? मुरुदला बेटा कहां से हो आप? मैं मालेगांव से हूँ।
अच्छा हाँ हाँ मैं जान गया। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपना हमें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर आईआईटी मद्रास 2011 बैच का हूँ, 7-11 बैच का। स्टूडेंट ऑफ सुपर 30 का नाम सुने हो आप लोग, सुपर 30? यस सर। हाँ तो स्टूडेंट ऑफ सुपर 30 आनंद कुमार पटना बिहार, 2004-06 बैच का हूँ। एंड ऑल्सो टीचर ऑफ सुपर 30 2012 से लेकर 2013 तक हूँ, मतलब सुपर 30 में पढ़ा भी हूँ और पढ़ाया भी हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है सुपर 30 से, आनंद कुमार सर से, क्या से ही। वहां पे 2 साल पढ़ाने के बाद कोटा गया, कोटा में मोशन आईआईटी जी कोटा में पढ़ाया, नांदेड़ आया महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, देन आफ्टर नासिक। विशेष डिटेल्स बाद में बात करेंगे, मैं आपके टाइम पास न करते हुए अपने वर्क पे आते हैं। बेटा रे, आज हम लोग एक कदम आगे बढ़ाए हैं और हम एक 11th की तरफ प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लाइफ में आगे कदम बढ़ाते हैं तो बिफोर दैट हम पीछे की लाइफ स्टोरी देखते हैं, हम सोचते हैं क्या हमने पीछे क्या क्या चीजें सीखा, जाना, गलतियां किया, जिसका यूटिलाइज आगे होता है। मेरे सामने खास करके बच्चियां दिख रही हैं, बच्चे भी हैं, कुछ बच्चियां भी हैं। मैं इस सिलसिले में बात करने से पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और बताना चाहूंगा कि हाउ मेनी अपॉर्चुनिटी फॉर योर करियर। अगर 11-12 की बात करें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके करियर के बारे में, लाइफ में क्या कर सकते हो, क्या बेहतर है करना हमारे लिए। हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं 11-12 में, 4 क्या 5 बोल सकते हैं। पहला कि अगर आप 10th करने क्लास करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है डिप्लोमा, आप कर सकते हो डायरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है आप 11th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है 11th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कर सकते हो। नेक्स्ट 11th विथ कॉमर्स एंड आर्ट से कर सकते हो। इतना तो उम्मीद है कि आप कॉमर्स और आर्ट्स साइड तो नहीं जाना चाहोगे, अगर वहां पे जाना होता तो आप आते नहीं है। पहली पॉइंट्स, अगर आप 11-12 मैथमेटिक्स से करते हो तो क्या होगा और बायो से करते हो तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। अगर आप 11-12 मैथमेटिक्स से करते हो और अप टू टिल आज की सिनेरियो की बात कर रहा हूं, और अगर आप जेंट्स कैंडिडेट हो, मैं लेडीज कैंडिडेट के भी बारे में बात करूंगा, अगर आप जेंट्स कैंडिडेट हो तो आपको 12 क्लास अपियरिंग में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स का डिटेल बता रहा हूं। JEE जो कि 2 लेवल में होता है, एक मेन लेवल में होता है, एक एडवांस लेवल में होता है, डिटेल्स बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं। बच्चे लिखना शुरू करें, जो बच्चे लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमेशा नहीं मिलेंगी। तो पहला पॉइंट्स JEE मेन और एडवांस, JEE मेन और एडवांस। JEE मेन का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है वो भी बता दूं।
अनुष्का कोठावड़े, यहाँ पे हमारी बच्ची है जो कि शायद जानती, अनुष्का कोठावड़े। यस सर। बेटा याद करो वो दिन जब आप मेरे साथ फाउंडेशन में पढ़ते थे तो मेरा एक टेस्ट होता था, याद है? यस सर। हमारा टेस्ट का पैटर्न क्या था, याद है थोड़ा बहुत आपको? एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने थे, और कुछ भी था क्या उसमें? नेगेटिव मार्किंग। और कुछ था याद आ रहा है थोड़ा बहुत? लास्ट में एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखते थे, दो, याद है? सिंगल चॉइस याद होगा, एमसीक्यू सिंगल चॉइस, एमसीक्यू मोर देन करेक्ट आंसर, याद है कि नहीं है? यस सर। इंटीजर्स, और लास्ट में याद होगा कि एक या दो क्वेश्चन हम रखते थे इंटीजर, मतलब सॉल्व करने के लिए। यस सर। यह कब हम कराते थे याद है आपको? एट्थ में। एट्थ में आप कब, कौन सी ईयर में थे? 2019 18 में थे। ठीक है, याद है ना? देखो अच्छा हुआ कि आप हो यहाँ पे। अब एक बात और सुनो, मैं जो सेम पैटर्न 2015 से चालू किया था, 2015 से एक पैटर्न चालू किया था, वही पैटर्न, सेम पैटर्न जेई मेन 2020 में अप्लाई किया, 2020 में अप्लाई किया। और जेई मेन का पैटर्न क्या, वो भी सुन लीजिए, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं जेई मेन में, 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से होते हैं। क्या होते हैं? ईच सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं सिंगल चॉइस, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं सिंगल चॉइस, 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं, सॉल्व करना होता है। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, कितना होता है? 5 क्वेश्चन क्या होता है? ऑप्शनल होता है। 5 आउट ऑफ 10 में से आपको कितने बनाने हैं? आउट ऑफ 10 में से कितने सॉल्व करने हैं? 5 सॉल्व करने हैं। क्लियर हुए? यही पैटर्न फिजिक्स में, यही पैटर्न केमिस्ट्री में, यही पैटर्न मैथ में होता है, सिंगल चॉइस लेकिन होता है, मल्टीपल चॉइस नहीं होता, जेई मेन में मल्टीपल चॉइस नहीं होता है, एडवांस में मल्टीपल चॉइस होता है, पैटर्न यही है। जेई मेन अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो इंडिया के नेशनल, सबसे टॉप इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक जा सकते हैं। अगर आप जेई मेन क्वालिफाइड करेंगे आपका रैंक 150,000 तक होगा तो आप जेई एडवांस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जेई एडवांस का फॉर्म फिलअप करने के बाद आप जेई एडवांस का एग्जाम देंगे, दो पेपर होता है जेई एडवांस का, और जेई एडवांस का पेपर देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप IIT में, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में जा सकते हैं। इसके अलावा मैथ वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, बाद में बायो की बात करूं, इसके अलावा जेंट्स कैंडिडेट विद द मैथमेटिक्स कैन अप्लाई डिफेंस, जिसका नाम है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यह एग्जाम्स UPSC लेती है और यह सिर्फ जेंट्स कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। आप NDA के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग, BSc, BBA, whatever you want you can do through the NDA. During the study of NDA आपको गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट मिलेगा नियरली 22,000 के करीब करीब पर मंथ, लेकिन कब मिलेगा? जब आपका एवरी सेमेस्टर में 75% रहेगा जहां आप पढ़ रहे हैं खड़कवासला में। इसके अलावा TES टेक्निकल एंट्री स्कीम भी है, वो आर्मी में है, और इसके थ्रू आप सिर्फ इंजीनियरिंग करेंगे, जेंट्स कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, हो गया? इसके लिए रिटर्न नहीं होता है, डायरेक्ट SSB होता है, लेकिन कब? जब आपका 12 के बोर्ड में 75% या मोर देन 75% मार्क्स रहेगा तो।
उसके अलावा नेवी में एक बीटेक नेवी करके एग्जाम होता है, एग्जाम नहीं होता, जेई मेन के स्कोर के थ्रू जाता है बच्चा, जेई मेन का स्कोर जो होता है उसके थ्रू जाता है, नेवी इंजीनियरिंग करके आता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हैं उनकी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। पी सी बी के बच्चों की बात कर रहा हूं। एक एग्जाम कॉमन एग्जाम हो गया है जिसका नाम है नीट NEET, नीट ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट होगा, सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और नीट के थ्रू आप एम्स में भी जा सकते हो और मेडिकल इंडिया के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो थ्रू द रैंक ऑफ नीट। इनफैक्ट आपका रैंक कम भी रहा तो आप फार्मेसी में जा सकते हो, डेंटिस्ट में जा सकते हो, यह सब नीट के एग्जाम के थ्रू ही होगा। महाराष्ट्र का एक नीट का एग्जाम होता है जो कि फार्मेसी, मतलब महाराष्ट्र का एग्जाम होता है जो कि फार्मेसी हो गया, डेंटिस्ट, इस सब का एग्जाम होता है। वो भी अब बंद होने वाला है, पता नहीं अभी तक बंद नहीं हुआ है लेकिन बंद होने वाला है। कॉमन एक ही एग्जाम होगा। अगर आपको महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में जाना होगा तो एक ही ऑप्शन है नीट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, फार्मेसी और ये सब एग्जाम्स अगर आपको पढ़ना है तो आप महाराष्ट्र का एक एग्जाम होता है MS, MSTCET, उसके थ्रू आप जा सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं, एक और द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं। हाँ, एक और डिफेंस में सिलेक्शन होता है डॉक्टर्स का जिसका नाम है AFMC, नाम सुने हो AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, पता है ना। FMC में जाने के लिए आपका नीट में बहुत अच्छा रैंक होना चाहिए। एम्स FMC ये दोनों टॉप कॉलेजेज हैं, एम्स एंड FMC टॉप कॉलेजेज हैं इंडिया के। इसके अलावा फॉर लेडीज कैंडिडेट, ध्यान देना, फॉर लेडीज कैंडिडेट, फॉर गर्ल कैंडिडेट, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात कर रहा हूं, और गर्ल कैंडिडेट है तो यह अपॉर्चुनिटी, यह चीजें, यह नॉलेज बहुत कम बच्चों को पता है, इसलिए आज मैं बता रहा हूं। डिटेल चाहिए तो आप, मैं भेज दूंगा, इसको देख लेना, स्टडी कर लेना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इतना जान जाओ कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा भी एग्जाम होता है। इसमें आज के डेट में कंपटीशन नहीं के बराबर है, बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हो बहुत कम लोग भरते हैं। और उस एग्जाम का नाम है MNS। यह सिर्फ लेडीज, मतलब गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल है। इसके लिए आपको 11-12 में बायो होना जरूरी है। इसके लिए बच्चियों का एज 16.5 to 19.5 के बिटवीन में होना जरूरी है। MNS का फुल फॉर्म है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एक सेपरेट एग्जाम होता है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश और GK। क्या क्या मैंने बोला? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश एंड जीके। जब आप MNS का फॉर्म, एक बात जान जाओ कि MNS का जो लेवल है, वर्ड पे इसको लिखना है लिख लेना, या मेरे से कॉल करके डिटेल मांग लेना, मैं दे दूंगा। आज तक अप टू टिल की बात कर रहा हूं कि MNS का जो एग्जाम का लेवल है ना,
बहुत लो है, बहुत लो है। इसका वजह यही है कि उसमें फॉर्म जितना रिक्वायरमेंट है वो बच्चे ही नहीं भर पाते हैं। उनको पता ही नहीं भरेंगे कहां से। तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप एमएनएस में जाएं। अब इसका फायदा क्या वो भी बता रहा हूं। अगर आप एमएनएस निकालते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस निकालते हैं, यह दो लेवल पे एग्जाम होता है, प्लस टू लेवल पे भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है, तो आपको नर्सिंग, आप एफएमसी का नाम सुने अभी बताया, एफएमसी आपका एडमिशन डायरेक्ट नर्सिंग में होगा। कहां होगा? नर्सिंग में होगा, एफएमसी में नर्सिंग में होगा। आपको 3 साल का कोर्स डिफेंस द्वारा पढ़ाया जाएगा। ड्यूरिंग 3 इयर्स ऑफ डिफेंस कोर्स ऑफ नर्सिंग इन द एफएमसी एवरी मंथ नियरली 32,000 या 35,000 रुपए पेमेंट है। कितना? कुछ पेमेंट है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कितना पेमेंट है, बट सम पेमेंट है। लेकिन कंडीशन वही है कि मिनिमम 75% गर्ल्स कैंडिडेट का होना ही चाहिए। जब आप एफएमसी से नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करेंगे या एफएमसी से एमबीबीएस थ्रू द नीट, वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी एफएमसी में अगर आप एमबीबीएस करना चाहें तो आपको नीट के थ्रू आना पड़ेगा। उसी एफएमसी में अगर आप नर्सिंग कोर्स करना चाहें तो आपका एक सेपरेट एग्जाम होता है जिसका नाम एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। सेम कॉलेज में, सेम में आपका एडमिशन होगा, बशर्ते उन जो नीट के थ्रू आएंगे बच्चे उनका एमबीबीएस के लिए होगा, और जो एफएमसी इसके थ्रू आएंगे, एमएनएस के थ्रू आएंगे, उसका नर्सिंग के लिए होगा। आप जैसे ही नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको डायरेक्ट एक कर्नल का पोस्ट मिलता है, आप नेट पे देख लीजिएगा, डायरेक्ट कर्नल का पोस्ट मिलता है। आपको पता होगा जरूर कि एक जनरल, वर्ड पे ध्यान देना प्लीज, वर्ड पे ध्यान देना, एक जनरल फिजिशियन और एक मिलिट्री का रिटायर्ड फिजिशियन, कौन बेस्ट डॉक्टर होता है आप बता सकते हो? कोई बच्चा बेस्ट डॉक्टर हमारी नजर में कौन होगा, एक जनरल फिजिशियन या एक मिलिट्री का रिटायर्ड फिजिशियन? रिटायर्ड फिजिशियन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जेन्युइनली वर्क करता है, वो पैसे के लिए वर्क नहीं करता। इसलिए हाँ, एक बात और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पांडे सर, क्या हम ऐसा कर सकते क्या कि एफएमसी में जाकर एमबीबीएस या नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करके हम बाहर आकर अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते क्या? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि पांडे सर, अगर एफएमसी, स्पेशली मैं एफएमसी की बात कर रहा हूं, एफएमसी में जाकर नर्सिंग या एमबीबीएस कंप्लीट करके क्या हम बाहर अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो ये बात ध्यान देना, नेवर नेवर, हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको डिफेंस द्वारा पढ़ाया गया है तो आपको मिनिमम डिफेंस को सर्विस देना ही पड़ेगा। देखो, डिफेंस में जाने का मतलब यही होता है कि जब आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रही, एवरी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, तो आप डिफेंस के लिए ही काम करोगे।
आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन, आपकी रुतबा, आपकी फैसिलिटी, एवरीथिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिफेंस। और सिंपल एक चीज जान जाओ बेटा, हर कोई और उसका पोस्ट, उसका रुतबा, उसका वैल्यू अलग ही है बेटा। हमें अगर देश के लिए कुछ सेवा करने का मौका मिले तो उससे बड़ा गर्व और उससे ज्यादा पुण्य का चीज कुछ भी नहीं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एफएमसी में जाकर आपको एमबीबीएस या एमएनएस करना होगा, नर्सिंग करना होगा। करने के बाद मिनिमम 9 ईयर सर्विस डिफेंस को देना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं और उसके बाद आप बाहर में चाहे कुछ भी कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एमबीबीएस कंप्लीट की और डायरेक्ट हम इधर अपना क्लिनिक चालू कर ले, ये पॉसिबल नहीं। सभी बच्चे क्लियर हुए? यस यस सर। वहां पे एफएमसी में, एफएमसी का नाम हमने बता दिया, आर्म्ड मिलिट्री फोर्स, क्या बताया आपने, एएफएमसी, आर्म्ड फोर्स मिलिट्री कॉलेज। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप जब पढ़ेंगे, चाहे वो आप एमबीबीएस पढ़े या फिर नर्सिंग पढ़े, आपको पेमेंट मिलेगा, एवरी फैसिलिटी मिलेगा। सेम थिंग हैपेंस विद द एम्स। एम्स का नाम सुने हैं? पहले तो इंडिया में एक ही था, अब बहुत सारे एम्स हो गए। एम्स में भी फीस बहुत कम है, नियरली आपको पता नहीं होगा 1200-1300 फीस अब बढ़ गया है, एक साल का। क्या क्या मैं बोल दिया भाई? सच बता रहा हूं। वो भी रिटर्न हो जाते हैं, आप YouTube पे देख लेना। और एक बात ध्यान देना बेटा रे, अगर तूने कुछ ठाना है ना, कुछ चाहा, इच्छा जाहिर किया है ना, तो एक अंदर अपने आप भरोसा रख, विश्वास रख, कि आप अगर वो सपना देखा डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, एनडीए ऑफिसर, जो भी आपने सोचा वो आपका सपना है, वो आप चाह रहे हो बनना, तो उसके लिए मुश्किलें आएंगी, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको ज्यादा और बच्चों से ज्यादा मेहनत, एक सही डायरेक्शन, ये नहीं कि गधे की तरह लेबर की तरह मेहनत किए जा रहे, नहीं, नो मीनिंग ऑफ दिस, स्मार्ट वर्क, सही डायरेक्शन में सही वर्क और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ। अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप क्या करो, इंडिया का द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ढूंढो, इंडिया का द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढो, वर्ल्ड का द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ढूंढो, वर्ल्ड का द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ढूंढो, उसका यूट्यूब पे जाओ, आजकल फैसिलिटी है, देखो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपको सब कुछ दिखेगा। जब वो दिखेगा ना, तो ऑटोमेटिक अंदर से इंटरेस्ट है, यार एम्स में तो ऐसा होता है यार, काश मैं भी होता। आपको पता है एम्स में हर बच्चे को एक सेपरेट रूम मिलता है, इंक्लूडिंग एसी और एवरी फैसिलिटी, पता है ये, आप देख लेना यूट्यूब पे है वीडियो, मैं कहो तो डाल दूंगा। अरे इतनी जबरदस्त फैसिलिटी है ना बेटा, इतनी जबरदस्त, रियल लाइफ क्या होता है वहां पे पता चल, वहां तक जाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपने डेडिकेट हो, आपने दिल से चाहा है जिस चीज को, दिल से, वर्ड ध्यान देना, दिल से चाहा है, तो सभी कायनात आपको मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। बट अगर आपने सच में सपना देखा है, तो ये नहीं कि किसी की कई सुनी बातों को सुनकर, चल यार वो हमारे रिलेटिव का लड़का है मेडिकल कर रहा है इसलिए मैं भी मेडिकल कर लेता हूं, नहीं नहीं वो इंजीनियरिंग कर रहा है इसलिए, नो मीनिंग ऑफ दिस। आपका दिल जो कह रहा है, जो आप अंदर से इच्छा कर, आप जो मन से खुशी से कर सकते हो,
वही करो। मैं हकीकत बता रहा हूं, आपका रिजल्ट फिक्स है, आपका सक्सेस फिक्स है, आप जरूर सक्सेस होंगे, लेकिन कब? कब? जब आप दिल से खुद की इच्छा से मेहनत करोगे, तो किसी के कहे के अनुसार नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आपको अभी एमएनएस के बारे में बताया, एम्स के बारे में बताया, एफएमसी के बारे में बताया। अब हम आते हैं बेसिक चीजें पे। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। और भी है, जैसे आप चाहो तो बहुत बच्चों का इरादा होता है पायलट बनने का डिफेंस में, वो भी बन सकते हो। उसके लिए अगर आप पायलट बनना चाहते हो, बच्चियां या बच्चे दोनों के लिए, अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ पायलट इन डिफेंस, अगर प्राइवेट में पायलट बनना है तो कुछ नहीं है। आप मैथ से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करो, 30-35 लाख रुपया है, हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, आप पढ़ोगे जाकर पायलट बन जाओगे प्राइवेट में। बट फाइटर प्लेन अगर आपको उड़ाना है इंडिया का, अगर आपको अभिनंदन बनना है, अगर हमारे देश का शान बनना है, तो फिर उसके लिए एक रूल है, एक एग्जाम से उसके थ्रू जाना होगा। उसका एग्जाम ये है कि आपको 11th 12th में मैथमेटिक्स होना जरूरी है, 11th 12th विद द ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन तक मैथ या इंजीनियरिंग है, वर्ड पे ध्यान देना, 11th 12th मैथ और ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स से है, तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में एक एग्जाम होता है जिसका नाम AFM, एफ कैट, क्या नाम है, एफ कैट एग्जाम का नाम है। फिर से सुनो, एक एग्जाम होता है जिसका नाम एफ कैट, एयरफोर्स का एग्जाम होता है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रीजनिंग इंग्लिश पूछा जाता है, जीके, बहुत आसान एग्जाम है। और एक बात बताऊं कि यहां से हमारी एक बच्ची पायलट बन रही है, बेंगलोर में अभी ट्रेनिंग उसका चल रहा है। तो आप चाहो तो वहां पे भी जा सकते हो, लेकिन वह ग्रेजुएशन की बात होगा। उसका एज लिमिट है, एफकैट का एज लिमिट है 19.5 to 24.5 के बीच में होना चाहिए, 19.5 से 24.5 के बीच में होना चाहिए एज लिमिट, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज कैंडिडेट हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चलिए एग्जाम्स के डिटेल्स थोड़ा बहुत, किसी को अभी तक जो मैंने बताया कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, या मैं आगे बढ़ू? किसी बच्चे को जो जो हमने डिस्कस किया, क्या कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ूं? गुड बेटा रे, यही वीडियो अगर आप चाहो कि मान लो कुछ बच्चा लेट ज्वाइन किए हैं या फिर से देखना चाह रहे हैं या यही चीज आप सुनना चाह रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे जाकर विद्या एजुकेशनल अकेडमी नासिक डालना है, सेम वीडियो आपको मिल जाएगा वहां पे, यही सेम जो आपसे बात हो रही है वही वीडियो आपको अपलोड होगा। विद्या एजुकेशनल अकेडमी नासिक, विद्या एजुकेशनल अकेडमी नासिक यूट्यूब पे जाना है, वहां पे सेम वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो एक बार और। चलिए अब मैं एंट्री करता हूं अपने सब्जेक्ट्स में। बेटा रे, मैं बेसिक्स बताने के लिए हमने स्टार्ट किया ये बैच। बेसिक्स जिसका यूटिलाइज 11 12 में होता है, याद करो वो दिन जब आप अपने हाथों से लिखना शुरू किए थे, तो हमारे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया था ABCD, क ख ग घ, 1 2 3 नंबर टेबल्स, याद है, वर्ड पे ध्यान दो, नंबर्स टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, याद है बेटा? Yes, sir. जब हम उस समय पढ़ रहे होते थे मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो
हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था, इसका कहाँ यूटिलाइज होगा, आता था ये दिमाग में क्वेश्चन, ये तो हम पढ़ रहे हैं कॉपी पे, इसका यूटिलाइज कहाँ होता है। जैसे थोड़ा सा बड़ा हुए तो हमने देखा, जब चॉकलेट खरीदने गए, बिस्किट खरीदने गए या कुछ खरीदने गए मार्केट में, तो हमने देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूटिलाइज हमारे रियल लाइफ में है ना, याद आया? सेम थिंग थोड़ा सा और बड़ा हुए, सेवेंथ क्लास में गए तो हमने पढ़ा फ्रैक्शन एडिशन, याद है फ्रैक्शन एडिशन, 1/2 + 3/4 जो भी, वट एवर एग्जाम्पल्स, फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड फ्रैक्शन डिवीजन। मैं आपसे हकीकत बताऊं कि अभी के रेट में इस क्लास में नियरली 11 स्टूडेंट हैं, और मैं हकीकत के साथ बता सकता हूं क्योंकि मैं लास्ट 6 साल से महाराष्ट्र में, 6 नहीं 8 साल हो गए महाराष्ट्र में टीचिंग कर रहा हूं, तो मुझे हर बच्चे के बारे में, यहाँ के हर बच्चे के बारे में लगभग एवरेज पता है। आप इस आउट ऑफ 11 बच्चों में से शायद एक या दो बच्चे होंगे जिनको 2 से लेके 20 तक मिनिमम टेबल याद होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोलना, 2 से लेके 20 तक एकदम कंफर्मली टेबल याद है, कितने बच्चे को याद है सच्चाई के साथ? अभिजीत याद है, याद होगा तो बोलना हाँ, नहीं तो ना बोलना, देखो ऐसा मत छिपाना, नहीं मेरे सामने छिपाना ना, क्योंकि कमी सामने आएगा तो सुधार होगा। अभिजीत बेटा, यस सर, याद है 2 से 20 तक? हाँ याद है सर, बस 18-19 नहीं याद, कंफर्म नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अंकित जाधव जल्दी बोलो बेटा, याद है? नहीं सर, नहीं कोई बात नहीं, 15 तक है। हाँ वही चीज मैं बता रहा हूँ क्यों। अनुष्का बच्चा हो बेटा, यस सर, याद है? यस, कॉन्फिडेंस है? हाँ, 17 का बोलो जल्दी, 17 जल्दी बोलो, क्या? हाँ बोलो 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 जल्दी, 17 1/2 17 17 2/34 17 3/51 17 4/68 17 5/85 17 6/112 17 8 7/119 17 8/113 17 9/153 and 17 10 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
फिक्स नहीं बोल सकते मैं. क्या क्या? ना ना. हाँ कोई बात नहीं. अनुष्का उंगले जल्दी बोलो यार, टाइम कम है, जल्दी बोलो. सर नहीं, फिक्स नहीं. गुड. हिमांशु जल्दी बोलो यार. हिमांशु नहीं नहीं. मानसी नहीं. मानस्वी बेटा हाँ नहीं सर. नहीं हाँ या ना? नहीं सर. नहीं ना. मृदुला बेटा नो सर, लास्ट के नहीं. नेताल जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी. नहीं सर. प्रांजल नो सर. ऋषभ यस यस सर. हाँ मुझे पता था, मुझे पता था. इतना में से मैंने कितना बोला था, एक या दो बोला था या नहीं बोला था? आप सभी लोग नए बच्चे हो, मुझे पता है. इसका मतलब कमी हमें पता चल गया कहाँ है. पहला प्रायोरिटी आज का होमवर्क आप सभी लोग को कि 2 से लेकर 20 तक टेबल कंफर्मली कॉन्फिडेंस के साथ लर्न कर लेने. क्लियर? यस सर. सभी बच्चे से मैं बताऊंगा इसका यूटिलाइज क्या है, कैसे है, मैं सब कुछ बताऊंगा. लेकिन हमारा, मेरा बात मानो, तुम लोग को तुम लोग की मंजिल पे पहुंचा दूंगा. इतना ध्यान दो कि बड़ा भाई तुम लोग का है, तुम्हारे साथ में है. मात्र 15 दिन साथ में दो, तुम लोग में चेंजिंग ना आया तो मैं महाराष्ट्र छोड़ के चला जाऊंगा.
इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरा हर बात कहा आप सुनो। एक बात बताओ, रिज्वाइन होना चाहोगे या फिर कल फिर से स्टार्ट करूं? टाइम अप हो गया, रिज्वाइन होना चाहोगे या कल से फिर से स्टार्ट?